लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे प्यारे भैया, जब मैं 10वीं में थी तब टाइम पास नहीं कर रही थी, डांस सीख रही थी डांस, क्योंकि मुझे ऐसा पढ़ लिख कर क्लर्क नहीं बनना है, मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, एक्ट्रेस। अरे क्या बात करते हैं साहब, आप पे कैसे हाथ उड़ाएंगे? मैं दिखाता हूँ, चल ऊपर कर। अरे क्या करते हैं साहब, ये तो जबरदस्ती है यार। अरे क्या मस्ती है यार, ये तो जबरदस्ती है। अरे ये देखो भाइयों, बम्बई में दंगा फसाद कराने वाले को छोड़ देते, शेयर बाजार में हजारों करोड़ रुपए का घपला हुआ, किसी को पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा। और अपन सीधा साधा आदमी पिक्चर देखने को आया, अपन को पकड़ता है। पकड़ो भाई पकड़ो, तुम्हारा राज्य पकड़ो। जब मैं ब्लू कपड़ा पहनता था तो मुझे नीलकमल कहती थी। नीलकमल? जब मैं पानी में कोई शॉट देता था तो मुझे जलकमल बोलती थी। जलकमल? कहती थी कि अगर मैंने हॉलीवुड की पिक्चर साइन कर लिया तो वो लोग मुझे लोटस कुमार कहेंगे। लोटस कुमार? बोलना। वो अपन सुबह अपन वो राइट पे बैठा था ना, उसमें अपन भी बहुत डर गया था। अपन भी डर गया था। डर गए थे ना? तुम डर गए थे ना? बहुत डर गया था। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था। Yeah.
दिया। क्या सपना था मालूम? सपने में मैं गा रही थी, नाच रही थी, झूम रही थी और मेरे साथ साथ सारी दुनिया झूम रही थी। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माफ नहीं करूंगी? जैसे मेरे लिए तुम। फाइल कहाँ है? वही मेज पर है। अरे पर मेज कहाँ है? वही फाइल के नीचे। मिली। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर। लो अब तुम भी शुरू हो गए। क्यों और कौन सता रहा है हमारी श्रीमती जी को? अरे राजकुमारी के नखरे तो देखो, एक तो काम पर जाने के लिए लेट हो रही है, ऊपर से कहती है कि मैंने इसका सपना तोड़ दिया। बहुत खराब बात है मिली, बहुत खराब बात। अरे इसने तो तुम्हारी सिर्फ नींद का सपना तोड़ा है, मेरी तो जिंदगी का सपना तोड़ दिया। मैंने कभी शिकायत की? वैसे तो तुम बनने वाले थे ना बड़े लाट साहब। अरे मिली की माँ, अब क्या है? मेरा तो सपना ही था कि कुछ ना बनू, कुछ भी ना बनू। क्या बनना है? नहाना नहीं है? क्यों नहाना है? पागल। ला 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 ला। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए तुम? ला 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 ला। बस भी करो। अरे यार तुम्हें तो तारीफ करनी चाहिए कि तुम्हारी बेटी के ख्वाब में भी वो चीजें देखती है जो उसे बनना है। हाँ मगर सपने तभी पूरे होते हैं जब इंसान नींद से जागे, समझे? लेकिन सपने तभी आते हैं जब इंसान सोए, समझी? अरे मंचली मोतीलाल, क्या है, क्या कर रहा है? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा है कि सो रहा है? अरे भाई वो पढ़ रहा है, ख्वाब नहीं देख रहा है। अच्छा तो हम चलते हैं। बाय डैड, शाम को मिलेंगे। अरे मोतीलाल क्या बात है, आजकल सवेरे सवेरे पढ़ाई हो रही है? मुझे तुम्हारी तरह दसवीं में तीन तीन बार बैठने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे प्यारे भैया, जब मैं दसवीं में थी तब टाइम पास नहीं कर रही थी, डांस सीख रही थी, डांस, क्योंकि मुझे ये सब पढ़ लिख कर क्लर्क नहीं बनना है, मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, एक्ट्रेस। दीदी क्या ऑटोग्राफ दो ना। ये दू चलेगा? अबे तुम्हें देख लूंगी। हाँ जाओ जाओ। कैमरा स्टार्ट कहाँ हुआ? राव साहब कैमरे में रील चले या ना चले, स्टीवन कपूर ऐसा डायरेक्टर है जिसके दिमाग में 24 घंटे रील चलती है। ओ, मेरा कंपटीशन यहाँ के डायरेक्टर से नहीं है, हॉलीवुड के डायरेक्टर से है। राव साहब प्रेम दिखाइए। ए बसकर बसकर, ये क्या सब डार्क है, कुछ दिखता ही नहीं है। डार्क है? हाँ। ओ, कैप लगा हुआ है। ओ माय गॉड। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अब ये हम आपके हैं कौन? कहते हैं जी सुपर डुपर हिट पिक्चर है, हिस्ट्री है जी, रिकॉर्ड तोड़ दिए। भाई वो तो ठीक है, पर अंदर की बात पता क्या है? नहीं पता नहीं। ये स्क्रिप्ट मेरी है। आपकी? पहले मैं प्रोड्यूस करने वाला था। अच्छा। और जितने भी सीक्वेंस है ना इसके, ये सारे एक्चुअली मेरी शादी में हुए थे। अच्छा, आपकी शादी में? पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, सूरज अपना बच्चा है, स्क्रिप्ट इसको दे देते, ये डायरेक्ट कर ले, कोई बात नहीं। और अब सारे लोग आके कहते हैं क्या पिक्चर बनाई है, ओए क्या पिक्चर बनाई है, सारा क्रेडिट सूरज को दिए जा रहे हैं। सही बात है। ओए कहानी तो मेरी थी। तो क्या है यार, फुल बदन जब तक शूटिंग में नहीं आई है। सर ओए 9 बजे की शिफ्ट है, 12 बजने वाले और अभी तक आई नहीं। ये मेरे बच्चों को ना लोटा दे के जू चौपाटी पर बिठाने वाली है। मुझे लगता है इस पिक्चर की रिलीज तो मैं देख ही नहीं सकता। क्या बात करे सर, तू खड़ा दांत क्या दिखा रहा है, जाके फोन कर। ओके सर। आ गई, व्हाट अ पंक्चुअलिटी। आइए आइए गुलबदन जी, आइए प्लीज कम। नाइस गर्ल, आइए। अरे मम्मी के लिए कुर्सी आप लाए जी, बैठिए। ये लीजिए, यहाँ रख दो, यहाँ। ये लीजिए मैडम। थैंक यू दीवन साहब। हेलो गुलबदन जी, आपको ये गाने से पहले का सीन मालूम है? बेबी को कुछ नहीं मालूम जी। जी यू नो
हमारी हीरोइन गांव में है, गांव के अंदर ठंडी ठंडी हवा। बेबी कुछ ठंडा पियोगी? हाँ, या जूस, जरा जूस मंगाइए प्लीज। एक जूस लाना। नहीं, दो जूस मंगाइएगा। दो जूस लाना। वो मैं कह रहा था कि गांव के अंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही, हमारी हीरोइन सीता। सीताफल मिल्क शेक। सीताफल मिल्क शेक। सीताफल मिल्क शेक। नहीं, दो सीताफल मिल्क शेक। दो सीताफल मिल्क शेक। बर्फ डाल के। बर्फ डाल के। हाँ जी। क्या करें? जूस यहाँ नहीं मिलेगा। जाओ कहीं से लाओ। जाओ, तब सीजन नहीं है, नवंबर में मिलेगा। अरे तो नवंबर में जाके लाओ। जा। जी सर। अरे आप इस तरह शाउट कर रहे हैं, मेरी बेबी डर गई है, देखो परफॉर्म भी नहीं कर पाएगी। व्हाट आर यू डूइंग? And it's so hot over here. I know. पंखा लाइए, पंखा मंगाइए बेबी। पंखा लाना, दो। अच्छा ओ कम ऑन मम्मा, ये ड्रेस तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कह रहे थे यस, आप गाने की शूटिंग कर लीजिए, मैं पिक्चर की स्टोरी आपको बाद में सुना दूंगा। ओके तारे। कमल जी को बोलो शॉट रेडी। ये क्या? नहीं चाहिए। दस का तीस। चलो जल्दी बोलो, दस का तीस। कॉल का तीस, चलो जल्दी बोलो। कितना? 30 रुपया। दो टिकट देना। चल निकाल 30-30 के दो नोट। क्या? अरे 60 रुपए निकाल रहे। कॉर्नर का है ना? एकदम कॉर्नर का है। ये कॉर्नर का है, वो कॉर्नर का। मुन्ना भाई, अपन को एक पूरी देना यार, अपन का सब टिकट खत्म हो गया। ले उड़ा। या फिर कैसे चल रहा है धंधा? डल लेट बोले तो पैदल आने का, टैक्सी में जाने का क्या? बोले दस का तीस। इंटरवल तो देखने को मिलेगा, चलेगा क्या? कमाल है यार। ए पिछड़े चमन, चले जरा, तेरा थोबड़ा बन को बहुत पसंद आया। 25 में उड़ा जा। इधर आ। क्या? अरे इधर आ। अपन नहीं तो क्या? मैं इधर आ। क्या ब्लैक करता है क्या इधर? ब्लैक? अरे क्या बात करते हैं साहब, अपन ब्लैक करने वाले दिखता है क्या? अच्छा तो ये 10 का 30 क्या है? 10 का? अरे साहब वो तो अपन खुद चिल्ला रहे हैं, कोई ब्लैक करने वाला है तो अपन 10 का 30 देने को तैयार है। तुम से कोई मिला ही नहीं, आपको दिखा गया क्या? मेरे को बेवकूफ समझता है? चल उठा, हाथ उठा। अरे क्या बात करते हैं साहब, आप पे कैसे हाथ उड़ाएंगे? मैं दिखाता हूँ, चल ऊपर कर। अरे क्या करते हैं साहब, ये तो जबरदस्ती है यार। अरे क्या मस्ती है यार, ये तो जबरदस्ती है। अरे ये देखो भाइयों, बंबई में दंगा फसाद कराने वाले को छोड़ देते, शेयर बाजार में हजारों करोड़ों रुपए का घफला हुआ, किसी को पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा। और अपन सीधा साधा आदमी पिक्चर देखने को आया, अपन को पकड़ता है? पकड़ो भाई पकड़ो, तुम्हारा राजे पकड़ो। कुछ मिला क्या? नहीं ना। टुकड़ में पब्लिक के सामने अपना इज्जत का फल तो कर डाला ना। अरे क्या आएगा ये कंट्री का यार? जब चले गर्दी मत करो इधर, ये क्या इधर तमाशा हो रहा है? आएगा ये कंट्री का यार। हॉलीवुड दिमाग चला बाप। अबे काले अंडे चला बना दे। चले हट। बाकी लोग कहाँ? तबका हो गया वाह। चल अपन भी कल्टी मारते रहे, बहुत गर्मी हो गई यहाँ पे। ए फट। अरे तुम कैसे डायरेक्टर हो? तुमको डायरेक्शन तो आती नहीं, डांस करवाते हो? किधर है डांस डायरेक्टर, बुलाओ उसको। अरे ऐसे कोई नचवाता है क्या? इतने डिफिकल्ट स्टेप्स हैं, तुमको शर्म नहीं आती? ये डायरेक्टर को तो कुछ भी नहीं आता है, एमटीवी देखता है। मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, तुमको समझना चाहिए। बेबी को कूद कूद के नचवाते हो, ऐसा होता है क्या? और तुम चुप रहो। और देखो अगर इसने डिफिकल्ट डांस स्टेप्स हो गए तो मेरी बेबी डांस नहीं करेगी, अगर उसको कुछ हो जाता तो। मम्मी आप बैठ रखो कुर्सी इधर, मैं सब संभालूंगा। कैसा है? बात तो सुनिए। बहुत दुखता है क्या? मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं स्टेप चेंज करवा देता। अरे क्या स्टेप चेंज करवा देता हूँ, पहले ही सुनना चाहिए था, ऐसा स्टेप रखना ही नहीं चाहिए था। स्टीवन साहब ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे चुप, शट अप। कैसे ज्यादा चोट नहीं आई? तुमको कुछ समझ है? गले में लटका है, ऐसे ऐसे फिरता है, ऐसे कोई डायरेक्टर करता है? पाँव में मोच आ गई है। गो गो, आज का बैकअप मैंने बोल दिया, गाड़ी मंगवा दो। मम्मी मेरी बात सुनिए। कम ऑन बेबी, मेरी बात सुनिए। अरे सुना नहीं बोला बैकअप? चलो बेबी चलो। मम्मी प्लीज, मम्मी थोड़ी देर, मम्मी स्टेप चेंज करवा दो। मम्मी समझ में नहीं आता,
हमने हीरोइन को साइन किया है या हीरोइन की माँ को? इन हीरोइन की माए शूटिंग में आती क्यों हैं? कमल जी, मैं तो सब छोड़ के यहाँ से हॉलीवुड चला जाऊंगा। अरे 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 स्टीवन साहब, आप गजब कर रहे हैं। आप हॉलीवुड चले गए तो मुझे तो हरिद्वार जाना पड़ेगा ना। आप कहीं भी जाइए, वो हीरोइन की माँ मुझे। आप ठंडे हो जाइए, मैं कल किसी तरह से हीरोइन उसकी माँ को पटा के ले आऊंगा। आप क्यों गर्म हो रहे हैं कमल जी? सॉरी कमल जी, बैकअप बैकअप। ओके गाइस, हॉलीवुड में जूलिया रॉबर्ट्स की माँ स्पीलबर्ग को ऐसे बोल सकती है क्या? अरे कमल जी तो जा रहे हैं, और क्या करेंगे? वो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं और ये मैडम है, कुछ ना कुछ वजह निकाल कर रोज शुरू हो जाती है। मुझे तो लगता है उन्हें काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे अपने को क्या लेना देना, अपने को तो पैसों से मतलब है। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? अरे हम लोग रोज यहाँ इसलिए आते हैं, कुछ डांस सीखे, अच्छी एक्टिंग करे, कुछ बनने के बारे में सोचे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई आए डांस करे चले गए, आए डांस करे चले गए। अच्छा बाबा, मुझे तो कुछ नहीं बनना, मैं तो इसी में खुश हूँ। आपको कुछ बनना है तो जाइए। क्या जुरासिक पार्क कैसा है? अरे जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। चले फैन चालू कर, चले फड़का मत चल, चले अंधेरे दो कप चला पानी कम। उधर पड़ा नहीं क्या, आज रोकड़ा कल उधार। एक खजूर रोकड़ा तो अपन फाइव स्टार में जाके कटिंग नहीं पीता क्या? चल जल्दी ना, तेरा अकाउंट कट सेटल करेगा। पक्का पक्का पक्का, किसको दिया जो तू रह गया? चल जा जा, खरीला खरीला जा। अरे मुन्ना भाई, ओ लॉस्ट शो की टिकट मिली क्या? मिले। अरे इतना चला था क्या हुआ? ए मिली इधर आ। मुन्ना कितना चला? आना बैठना, ठंडा पी चल। नहीं मैं नहीं बैठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे बैठना, फिर अपन भी तेरे साथ घर चलते हैं। ए तंबी, एक और ले गया। एक पक्या, तूने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया? बस कल से छोड़ रहा हूँ। और कैसा चला तेरा शूटिंग? शूटिंग के बारे में मत पूछा। अरे वो हीरोइन ने आज इतनी से डांस के लिए हम लोगों को इतना नचा दिया, डांस कर करके हम लोग परेशान। अरे अपन तेरा कब से बोल रहे हैं छोड़ दे, सही है? खाली पीली शूटिंग के चक्कर में तेरा सैंडल गिर जाएगा। हो गया तेरा लेक्चर शुरू। अपन सही बोलता है, अपन बहुत लाइफ देगा इधर फुटपाथ पे। तू ना पहले फुटपाथ से ऊपर सोचने की सोच। पूरा दिन इधर उधर मस्ती करते घूमता रहता है, किसी अच्छे से कंपनी में छोटी बड़ी नौकरी कर ले। अरे हटा सावन की घटा, किसी सेठ की गाड़ी में बिस्किट खाने वाला कुत्ता बनने से अच्छा है कि अपन सड़क पे मस्ती करेगा, अपनी मर्जी का मालिक, अपना राजा। क्या बोलते बक्या? सही है बाप। आह तुम लोग नहीं सुधरोगे। ए मिले कहाँ चले? ए जैसे मस्त कलंदर। यारो सुन लो जरा, अपना भी कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना, गाड़ी बंगला अगर हो तो क्या बात है, बैंक बैलेंस से रंगीन दिन रात है, टीवी वीडियो अगर है तो क्या है मजा, ड्रेसिंग ड्रेसिंग से कुछ और ही थॉट है, कर लो कुछ तो कदर यार, थोड़ा जाओ सुधर। यारो सुन लो जरा, अपना ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना।
अपनी मर्जी के राजा। दुनिया बोले तो मजा है, ना कहो खुद को राजा। नाम उनका मुन्ना भाई, हम करें वो जो दिल में समाए। अरे धंधा किया ना किया क्या फिकर, कौन आया गया दुनिया में क्या खबर। इस दुनिया से तुम जो रहे बेखबर, कहीं दुनिया तुम्हें ना भुलाए। यारो सुन लो जरा, हाँ अपना ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना। दादा सब कहते हैं, अरे शेरों के जैसा है अपना जिगर, ऊंचा ही रहा है सदा अपना सर। सर से ज्यादा ऊंची रहे ये नजर, आसमां फिर तो सर को झुकाए। प्यारो सुन लो जरा, हाँ अपना भी कहना, जीना इनकी हमको क्यों हो फिकर, चीलो जैसे मस्त कलंदर। यारो सुन लो जरा, हाँ अपना ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना। फिर क्या कमल जी चले गए मैडम के रोज रोज के नखरों से सब। ए मिली बोल दे रहे, कौन सा फ्लेवर चाहिए? वैनिला, मैंगो, रसबरी, पाइनएप्पल। मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। अरे अपन खिला रहा है अपनी तरफ से, हाँ ना? अरे नहीं चाहिए बोला ना, चल तो चल। अरे कमाल है, अपन फ्री में आइसक्रीम खिला रहा है फिर भी नहीं खाती, क्या करें यार। मिली अपन को अच्छा नहीं लगा क्या? अरे अपन तेरे को दिल से एक आइसक्रीम खाने को बोला और तू फट से ना बोल दी। मुन्ना तुम भी ना इतनी सी बात को इतनी बड़ी बना देते हो। अब मुझे आइसक्रीम नहीं खानी थी, मैंने ना कर दी। लेकिन अपन तेरे को सिर्फ आइसक्रीम खाने को बोला ना, फिर वही बात। नहीं अपन कुछ गलत बोला क्या? अरे लेकिन इसमें गलत बात की क्या बात तो है? ना क्यों बोली? तुम तो कहीं भी शुरू हो जाते हो मुन्ना। ए क्या करता है? अरे छोड़ना, एक किले में तेरा क्या जाएगा? रखता सीधे सीधे मुन्ना, नहीं रखता क्या करेगा? दूं क्या खर्चा पानी? हां भैया जी, एक मिनट एक मिनट, मुझे बताया कितने हुए? ए मिली तू मत दे, तू मत दे, तू लेके जाएगा। ए दे डालूंगा, एक मिनट, मैंने पैसे दे दिए आपके, अब चुप रहिए। अब तुम चलो चलो। ए दोते जानते नहीं अपन को, बहुत तमाशा है। नंबर वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस। बस करो, अपन टेंशन लिया ना, कभी खेला नहीं बैठ पाएगा। चलो मुन्ने, क्या तमाशा लगा रखा है? तेरे को साले को पैसा देने नहीं मांगता था। अरे तुमने वहाँ से केला उठा लिया, तुमसे पैसे नहीं मांगे। अरे बात पैसे का नहीं है, पैसा क्या बोल नहीं दे सकता क्या? हाँ लेकिन दिए नहीं ना। अरे वो बात कैसे करा था, जैसे अपन उसका ताजमहल उठा लियो। मुन्ना सारी बात की शुरुआत तुमने की थी, लेकिन झगड़ा दोस्तों शुरू किया ना। ठीक है, गलती ना तुम्हारी थी ना उसकी थी, सारी गलती मेरी थी, मेरी। अरे गलती तेरी थी तो अपन क्या को भटक लिए क्या? मोतीलाल अकेले अकेले क्या खेल रहा है? कोई नहीं तो क्या करूँ, दीदी खेलेगी क्या? अरे वो क्या खेलेगी, बैटिंग कर, अब उन्हें गोल डालता है। ये ले। माँ मैं यहाँ हूँ। माँ ये मुन्ना एक दिन मुझे पागल करके ही छोड़ेगा। क्यों, अभी आज कौन सा नया झगड़ा हुआ? अरे झगड़ा तमाशा कहो मत, तमाशा क्या हुआ क्या? देखो ये और मैं साथ साथ रास्ते में आ रहे थे, अब वहाँ एक केला वाला बैठा था, इसने जाते जाते केला उठा लिया। हाँ। उस बेचारे ने पैसे मांगे तो मालूम है इसने क्या कहा? क्या कहता है, एक केले में तेरा क्या जाएगा। तुम हंस रही हो माँ, वहाँ बीच रास्ते में मेरी क्या हालत हुई ना सिर्फ मैं जानती हूँ। देखो मिली, मुन्ना शरारती जरूर है लेकिन दिल का अच्छा है, वरना बिन माँ बाप के बच्चे बिल्कुल आवारा बन जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, अच्छा है, खाक अच्छा है। अरे किधर गया? हाँ खरा दिखता है गोडी प्लेयर,
और फटका मारता है टेंडुलकर जैसा। एक बात बोलू क्या? तेरी बॉलिंग पे तो कोई भी सिक्सर मार सकता है। अबे साले अभी दिखाता हूँ, मार सिक्सर अभी मार, दिखाता हूँ तेरे को। ये देख अब गया तो बच्चों, पढ़ने वाली तेरे को बहुत पढ़ने वाली है। अरे बाबे क्या हो रहा है बाहर? मोतीलाल बॉल किसने मारा? मुन्ना ने मारा। ए, ए, क्या बात कर रहा है, बैटिंग मैं कर रहा था, तू कर रहा था? माँ मुझे तो पूरा यकीन है ये सब मुन्ना की करतूत है। अरे तेरा भाई है इसलिए वही सही है क्या? हाँ हाँ मेरा भाई है, क्या कर लेगा तू? मिली चुप। मोतीलाल सच बता, बॉल किसने मारा? मुन्ना ने मारा। झूठ बोलते हैं, बैटिंग मैं कर रहा था, तू कर रहा था? अरे तू ही तो बोला सिक्सर मार के दिखाता हूँ। मैं बोला? मैं कब बोला? अरे अभी तो बोला, छोटा बच्चा समझ में, मुझ में दादागिरी करता है। अरे अभी ध्यान दे, अरे 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 छोटे बच्चे को मार, छोटा छोटा चले चले, डैडी साला अभी से छड़पत्ती करता है। तू आ क्या? अरे सिक्सर इसने मारा, नाम मेरा लेता है। सिक्सर किसी ने भी मारा हो गया ना, बस किस्सा खत्म। क्या किस्सा खत्म? अंदर किचन में जाकर देखिए कितना बड़ा किस्सा हो गया है। अरे तो क्या हुआ, जिस किसी ने किया है वो साफ सफाई कर देगा। वही तो पता नहीं है ना किसने किया है। अरे मैंने बोला ना मुन्ना ने किया है। अरे फिर झूठ बोला तू? हाँ मत लगाना, दो झापड़ दूंगा मैं। ए मोती के बच्चे, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, चल जा साफ कर। लेकिन नो लेकिन गो। ठीक है चल, बाद में मिलना, तेरे को देख लूंगा। अपन बस, तेरे को तो मौका चाहिए ना अपन बसने के लिए। देखो मेरी मर्जी, मैं जिस पर चाहूं जब चाहूं बस सकती हूं। अच्छा ए, अब ये तुम दोनों में क्या शुरू हो गया? इन दोनों की कहानी सुनते सुनते मैं तो थक गई। आप अंदर चलिए, हाथ मुंह धोइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ये हुई ना बात। चल अपन भी चलते हैं पिक्चर देखने का। अपन को कौन सा पिक्चर? अरे वो है ना वो, कौन सा वो राजकमल वाला यार, क्या नाम उसका? मिस्टर बॉन्ड। हां वही। मुन्ना मुन्ना ए मुन्ना 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 मुन्ना, तेरे पास टिकट है उस पिक्चर का? है ना, दो। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। नहीं तू नहीं, अपन अपने दोस्त के साथ जा रहा है। क्यों, तू मुझको नहीं लेके जाएगा? काय को, तेरे काय को ले जाऊं? मुन्ना मुन्ना प्लीज मुन्ना, एक तो मुझे पिक्चर देखनी है कब से। मेरा अपन पे हंसने का नहीं, गुस्सा करने का अपन पे नहीं बाबा। ठीक है जा, जल्दी रेडी हो जा, अपन भी थोड़ा या। कमल पाजी मुबारका। ओ पाजी आपकी ये पिक्चर भी सुपर हिट हो गई। बीपीसीआई से राजू पिठानी का फोन आया था, कह रहा था 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी। और दिल्ली से हरीश का फोन आया था, वो भी यही कह रहा था। हाँ राजस्थान में थोड़ी वीक है, पर बहुत पब्लिसिटी से धीरे धीरे पिकअप कर जाएगी। और बंगाल और पंजाब में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नमस्ते पीसी साहब। ओ जी मैं तो यही कहने आया था। अच्छा पाजी मैं चलता हूँ। अरे पीसी जी, जी हीरोइन की डेट्स का क्या हुआ? जी उसकी मम्मी से बात हो गई है, कह रही थी कल तक डेटों का हो जाएगा। ओह माय गॉड, लगता है लेट हो ही गए हम लोग। हम क्या ब्रजो भैया, ठीक है साहब? सब ठीक ठाक। मुन्ना चलो 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 ना, पहले से लेट हो गए, वहाँ पिक्चर शुरू हो गई होगी। अरे इंटरवल तक गाने ही गाने, एक दो गाने मिस हो गया, जी टी पे देख लेने का। नहीं मुझे पूरी पिक्चर देखनी है। अरे उसका अखा लाइफ इज ब्लैक है, ब्लैक नहीं करेगा तो और क्या करेगा बेचारा। ए मुन्ना ये ब्लैक लाइफ का क्या चक्कर है? अरे मिली तू उसकी लाइफ की स्टोरी सुनेगी ना तो हिल जाएगी। ये पक्या जब 5 साल का था ना तभी जो उसकी मां टपक गई। उसका बाप अक्खा दिन दारू के नशे में फुलटू रहता था, वो भी साला लुढ़क गया। अब उसके जीने का एक ही मकसद था, उसकी अपनी बहन की शादी, उसी की शादी कराने वास्ते वो जी रहा था। और उसका बैड लक ही खराब था, लड़के वालों ने इतना दहेज मांगा, इतना ब्लैक मनी मांगा कि तब से लेके आज तक वो 10 का 30 10 का 30 इंच कर रहा है। 10 का 30 10 का 30 10 का 30। लेकिन पक्या को देखकर तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है। आदमी की असलियत उसके चेहरे पर नहीं लिखी रहती। चल
गले खजूर टोच देगा। क्या चालू हो गया क्या पिक्चर? अरे ये थिएटर है कि कोयले का पट्टी? ये फैन चालू कर रहे हैं, फैन चालू कर। अरे भाई साहब जरा पिक्चर देखने दो ना। हाँ पिक्चर देखने लगता दो। है चाचा पलीदा भाई चाची के साथ। क्या आंटी मजा आ रहा है क्या? ना चुपचाप बैठो ना, पिक्चर भी नहीं देखने देते। क्या शॉट है आज, इसलिए रेडीमेड है। मैं तुम्हारी नहीं उसकी बात कर रही हूँ। अरे वो तो भाड़े की होगी, अपनी तो खून पसीने की कमाई की है। क्या बोलते है रे? पैर नीचे लेना। अबे तू पैर देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, चला के देख। अरे अपन तो टिकट खरीद लेला है। टिकट लिया तो क्या थिएटर तेरे बाप का हो गया क्या? लड़की साथ में तो हीरो बनता है। हीरो? अबे तेरी तो तेरे को दिखाता हूँ मैं। उठ बे, क्या बोला तू? हाथ मत लगा, इधर इधर मार मार। मुन्ना से पंगा लेता है क्या? अरे मिली अपुन का बात तो सुन यार। मिली तो अपुन का जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे अपन तेरे को कब से चिल्ला रहा है, अपनी बात का जवाब तो दे। मेरा रास्ता छोड़ो। अरे तू अपन क्या करता, क्यों इतना भड़क रही? बोला ना बात नहीं करनी तुमसे। अरे ऐसा क्या गलती हो गया अपन से? हाँ? क्या गलती हुई तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या जरूरत थी उस आदमी के साथ हाथापाई करने की? और वो जो बोला तो सुनी? हाँ हाँ सुना, और देखा भी जो तुमने किया। किसने कहा था यूं पैर फैला के बैठने को? अरे कमाल है, तेरे को तो हर बात में अपना ही फॉल्ट दिखता है। अपन येड़ा बाकी दुनिया शानी है। ए मिली बहुत हो गया तेरा गिट। ए तुम लोगों को झगड़ा किए बगैर खाना हजम नहीं होता क्या? अंकल आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आप पिक्चर देखने का को जाते हो? पिक्चर नहीं, आप बताओ आप पिक्चर देखने का को जाते हो? मजा के वास्ते, सुकून वास्ते, बरोबर? अब अपन पैसा देके टिकट लिया तो क्या आराम से बैठेगा? नहीं क्या? बिल्कुल बैठे। फिर आराम से बैठने का मतलब ये तो नहीं कि नवाब की तरह पैर फैला के आगे वाले को लात मारो। ए स्टोरी मत बना, स्टोरी मत बना, अपन किसी को लात नहीं मारा, बस जरा सी आगे वाली सीट पे पांव रख दिया तो क्या तकलीफ हो रही थी उसको? कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत मजा आ रहा था उसे। क्या हुआ मुन्ना? अरे कुछ नहीं आंटी, जरा सी बात को चिंगम के मारे खींच डाला उसने। अरे थोड़ा पैर फैलाया तो क्या हुआ, वो आगे वाला पिक्चर देखने आया था मेरा पैर। मजा तो सभी करने आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ पैर फैला के बैठो। अब आप ही बताइए दादी, ये सब कितना चीप लगता है, लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है। ए इधर डायरेक्ट की बात करना, अपन तेरे को देता हर बात का जवाब। बोला ना बात नहीं करने का। देखा अब आप ही फैसला करो अंकल, अपनी बात सुने बगैर ही बकबक करते रहती है। एक तो साला वो पिक्चर इतना बकवास, दिमाग पक गया अपना। ए पिक्चर के बारे में कुछ नहीं बोलने का क्या? काय को? क्या पिक्चर में तेरा प्यारा हीरो राजकमल है, इसलिए वो क्या पिक्चर में रहेगा तो सड़ेला पिक्चर भी अच्छा बन जाएगा क्या? और आप क्या बड़े गवर्नर है? ए अपन पब्लिक है, पब्लिक क्या किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। जिसमें अपना पैसा वसूल नहीं उसका डब्बा गुल, चाहे वो तेरा प्यारा राजकमल क्यों ना हो। अच्छा हाँ कि आसमां से सितारे जमीन पर आ गए, हर सितारे के पीछे घर, हर घर की अपनी अपनी कहानी, मगर यहां से सब एक जैसे दिखता है। Thank you.
मुन्ना तुम यहाँ? अरे अपन तेरे को पूरा स्टूडियो में ढूंढ के थक गया और तू यहाँ अंधेरे में क्या नाच रही है? अंधेरे में? अरे तुम्हें मालूम नहीं आज हीरोइन फिर पैकअप करके चली गई। मैंने सोचा यही थोड़ी देर रिहर्सल कर लूं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो कल अपन थिएटर में लफड़ा गया ना, उसके बाद अपन घर जाके बहुत सोचा, अपन को तेरे लिए बहुत सॉरी लगा। अरे तू तो जानती है अपन एकदम गर्म तवा है, फट से भड़क जाता है, तो इसलिए आज अपन तेरे लिए वापस दो टिकट लाया। आज अपन तेरे को इज्जत से पिक्चर दिखाएगा। ए बहुत बार सुना है, जा चल। क्या ये तेरा शूटिंग का सेट क्या? क्या इसी की वजह से तू अपना दिन रात सर पका दी थी? ये बोले तो ये वो है, क्या है क्या इसमें? अरे इससे ज्यादा अपना गली में गणपति का डेकोरेशन होता है। अच्छा वन मिनट। Thank you.
किया। तेरे को एक बात बोलेगा, तो किसी को बोलेगा तो नहीं? नहीं बाबा, बोलना। देखो अपन किसी को बोला नहीं है बात, खाली तेरे को बोल ला। बिंदास बाबा, वो मिली है ना मिली? क्या क्या उसने पी लड़ा किया क्या? अरे सुन यार, यहाँ साला अपन भाष श्रेणी के साला बीच में घुस रहा है। वो मिली है ना, वो उसका फैमिली अपन को बहुत अच्छा लगता है, उसका फैमिली अपन को बहुत प्यार करता है, माँ बाप एकदम घर माफी रखते। और वो मिली है ना, अब उनको बहुत अच्छा लगता है। समझ रहा अपन क्या बोल रहा है? हाँ समझ गया। क्या समझ रहा है? वो ही तेरे को मिली अच्छा लगता है, उसका माँ अच्छा लगता है, उसका बाप अच्छा लगता है। अरे अरे अपन, अरे अपन को मिली से शादी बनाने का यार। क्या फिर से बोलता मुन्ना? अपन को मिली से शादी बनाने का यार। शादी? मुन्ना भाई शादी कर रहे ना? ढचल 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 हजूर थोड़ा यार शादी क्या साला, अपन इतना सीरियस बात बोल रहा है और तू अपन पे हंस रहा है। बाबा अपन तो खुशी में हंस रहा है यार, लेकिन ये सब बात अपन को कुछ सुना रहा है? डायरेक्ट दुल्हन को जाके बताना, अपन तो पारा दिए। अरे वही तो लफड़ा है रे, मिली अपन को सीरियस नहीं लेती यार। अपन अपना दिल के बात उसको बोल दिया और वो हंस दी तो भाई को हंसेगी भाई? अरे तू मिली को नहीं जानता यार? जानता विनता छोड़ना यार। देख तेरे को शादी करने का है ना, तो कभी ना कभी ये बात बोलना ही पड़ेगा। हाँ वो भी सही है यार, ठीक है अपन बोलता है, अपन मौका देके बोलता है उसको। अरे ये तो डर गई यार। ए मिली मिली, तेरा दिल तो बहुत नरम है यार, तू बड़ियों की क्या करेगी? और जोर से चिल्ला रही, तेरे को क्या मालूम है कितना डर लगता है? अरे ये तो कुछ नहीं है, तू अमेरिका जाके देख, वहाँ तो इससे भी डेंजर गेम है। ए अमेरिका जाके देख, तू जाके है ना? मुन्ना के पास टेंट का पास है ना, बॉम्बे टू अमेरिका रोज जाता है। चल मुन्ना क्यों सताते रहे उसे? अरे नहीं, 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 तुम मुझे बोलते रहती हो। बहुत हो गया, एक ही जगह रुकना है क्या? चलो और भी जगह देख। चलो, चलो। तेरे डैडी कहाँ गए? डैडी की माँ मुकाला मुकाबला। राइट में मजा आया क्या? अरे अंकल आप मुझे मत। चुप चुप चुप। याद है शादी के पहले अपन भी चौपाटी के मेले में गए थे? हाँ मालूम है, और झूले में बैठने के बाद डर के मारे सांस फूल गई थी। वो तो तुम्हें देखकर डाली। अच्छा बस्ती पर बच्चों के सामने क्या? अच्छा चलो ना, यही रुकना है क्या? उधर उधर चलो, गाड़ी में बैठ के फाइटिंग कर दे। गाड़ी में? छी छी, उधर देख उधर कितने अच्छे राइड है। सीरीज चल दिए क्या? ए मोती चुप चुप, अब यहाँ आकर भी तुम लोग झगड़ा करोगे? तुम्हें जहाँ जाना हुआ तुम जाओ, और हमें जहाँ जाना हुआ हम जाएंगे। लंच में मिलते हैं। मुकाबला मुकाबला। बताइए ना उसको, क्या बात कर रहा है तू यार इतने पब्लिक के सामने? अरे मैं बोलता हूँ ना बाप, सही मौका मिला है, मार दिया थोड़ा। अरे तू पागल हो गया क्या? ये कोई जगह है प्यार का बात करने के लिए? कला मेला चल रहा है, अब उनको साइलेंस चाहिए। साइलेंस? तेरे को साइलेंस चाहिए ना, तो मैं किस सकता हूँ ना यहाँ से? मैं क्या कहूँ कबाब मैटी मुझे चले ली। अरे पकड़ ले उसे, बात बोल लेना। ऑल द बेस्ट। अरे मिली क्या कहा? अब वो तो आइसक्रीम लाने गया। मिली अपन तेरे को एक बात बोलता है। अपन क्या बोलता है कि अपन तेरे को कुछ बोलता है। मुन्ना जल्दी से बोलो ना, लेट हो जाएगा। वो अपन क्या बोलता है कि वो क्या फर्स्ट क्लास जगह है ये? नहीं सुपर फर्स्ट क्लास जगह है। अरे सुन ना, अपन तेरे को एक बात बोलता है। बोल। अपन तेरे को क्या बोलता है कि बोल ना। वो अपन सुबह अपन वो राइट पे बैठा था ना, उसमें अपन भी बहुत डर गया था। अपन भी डर गया था। डर गए थे ना? तुम डर गए थे ना? बहुत डर गया था। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था। छूटे चलो भी। चल चल। ए मर मत, ए मर मत। क्या करते? क्यों नहीं किया कुछ? मुकाबला मुकाबला।
गॉड फंस गई। शादी कर रही है? अरे शादी नहीं, हमारी फिल्म भी छोड़ रही है। फिल्म छोड़ रही है लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी फिल्म में बहुत सारे लव सीन हैं और सुधीर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सुधीर जी? ये सुधीर जी कौन है? उसका ड्राइवर यार। उसके उसके ड्राइवर को फिल्म से क्या लेना देना है? अरे मेरे भाई, वो सिर्फ उसका ड्राइवर ही नहीं है, पूरी की पूरी गाड़ी है उसकी, और वो दोनों शादी कर रहे हैं। यू मीन गुलपतन अपने ड्राइवर के साथ शादी कर रही है? हाँ, मैं आज सवेरे सवेरे उसकी मम्मी को मिलने गया था, तो उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि वो दोनों एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, दूसरे स्टूडियो से तीसरे स्टूडियो, एक शूटिंग से दूसरी शूटिंग, दूसरी शूटिंग तीसरी शूटिंग, सवेरे से शाम तक घूमते हैं, दोनों में प्यार हो गया, दोनों शादी करने वाले। वाओ, व्हाट एन आइडिया।
What a great idea, दादा। ड्राइवर, हीरोइन, गाड़ी। ड्राइवर के साथ हीरोइन का गाड़ी में रोमांस, ड्राइवर के साथ गाड़ी में शादी। What an idea। ऐसा आइडिया तो स्पीलबर्ग को भी नहीं आ रहा। गोली मार स्पीलबर्ग को यार। जब देखो स्पीलबर्ग करता रहता, वो अपना घर बसा जा रही है और मेरा घर बर्बाद हो रहा। मेरा क्या होगा, मेरी फिल्म का क्या होगा? ये फाइनेंसर तो मुझे नोच नोच के खा जाएंगे। मुझे ये बताइए, मुझे क्या करना है? मोतीलाल फोन उठा। मुझे कुछ काम ही है क्या? हेलो, हाँ हाँ मैं मिली बात कर रही हूँ। क्या जी? जी मैं सुन रही हूँ। डायलॉग बोलूंगी, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि ये सब देखते रह जाएंगे। एक्टिंग में आंखें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस्टर, जो भी डायलॉग बोलो, जो भी करो, फील करो, दिल से फील करो, ओके? हटाना। ए, साइलेंस, 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 ओके, साइलेंस। मिली, आर यू रेडी? यस सर। मिली, आर यू रेडी? यस सर। Rao Saab, can we take the shot, please? Okay, Stevens. Okay, clap in. Start sound. Rolling. Camera. And action. क्या तुम? क्या मैं तुम? क्या? Sorry, sir. Got it. One more. Take five. Action. Action. Dialogue bolo. Kya tum? Cut. One more. Take 11. Action. Action. Kya? Got it. Lights off. Lights off. इसमें रोने की क्या बात है? होता है, अच्छे अच्छों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। क्या होता है? मैं बाहर दो लाइन भी मैं ठीक तरह से अगर नहीं बोल पाई तो कोई हक नहीं है मुझे कैमरे के सामने आने को। इतने भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आज ऐसा करते, शूटिंग कैंसिल करते हैं। मेरा मतलब है कि घर जाके डायलॉग रिहर्स करो, कल करेंगे। कल हो जाएगा, ओके? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ओके? लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे मीत बुलाते हैं। अरे अपन घर पे नहीं है। मुन्ना मैं हूँ।
अरे मिली, मोटर छुपाओ कछुआ जलाओ। मुन्ना जल्दी, हाँ खुलता है खुलता है। क्या है मुन्ना? चलो आ जाओ इधर जल्दी से। अरे आ जाओ, ये लो ये पेपर पकड़ो। पेपर क्या है इसमें? जहाँ जहाँ राकेश लिखा है ना वो डायलॉग तुम पढ़ना, ठीक है? कौन है राकेश? राकेश फिल्म का हीरो है बाबा, उसके डायलॉग तुम्हें पढ़ने हैं मेरे बाद। ओके चलो चलो एक्शन शुरू करते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे। मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा, और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इस पे क्या कहूं। I'm shocked. अरे देख क्या रहे हो, आगे की लाइन पढ़ो ना। I'm shocked के बाद तुम्हारी लाइन है ना? हाँ। ओके एक मिनट। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। I'm shocked। अब तुम्हारा मतलब ये कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तो पेपर लाओ इधर। अब क्या? अरे क्या अब क्या, किस तरह से पढ़ रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब है के? अरे फीलिंग के साथ दिल लगा के नहीं पढ़ सकते बुद्धू। अरे दिल लगा के क्या पढ़ेगा अपन? अचानक आधी रात को अपने कमरे में आती है, हाथ में पेपर देती है, बोलती राकेश डायलॉग पढ़। अरे कौन राकेश, किधर का राकेश? और ऊपर से पर में चिल्लाती है अपन को नहीं पढ़ने का डायलॉग, बात करती है। ठीक है मत पढ़ो। हाँ नहीं पढ़ेगा, कुछ मत करना। मालूम है आज क्या हुआ बॉस स्टूडियो में? यहाँ तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो ना, वहां उन लोगों के सामने एक डायलॉग तक याद नहीं आया मुझे, कुछ नहीं सब भूल गई थी मैं, बुद्धू की तरह खड़ी थी उन लोगों के बीच। वो तो राज कमल जी की वजह से, ये दूसरा धोखा देने का सोचा उन्होंने। कल 9 बजे बुलाया मुझे वहां पे और 11 बज चुके। मैं चाहती थी कि किसी के साथ रिहर्सल करूं, इसलिए तुम्हारे पास। तू मेरी मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अरे मिली, अरे मिली तू इतनी सी बात पे क्या रोती है? अपनों के मामले में तेरे लिए इतना खास बात है? चल अपन तेरे से डायलॉग पढ़ता है, किधर तेरा पेपर? अरे मिली अपन तेरे को ऐसा प्रैक्टिस देगा कल सुबह तक तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट। ये देख। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ओह गॉड, मैंने तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा। आई शॉक बुद्धू, ये मेरा डायलॉग है ना? साला अपन घोटाला मार दिया। हाँ। अपन को तो किशोर का डायलॉग बोलेंगे, मुकेश का। किसका डायलॉग? राकेश का। ए मिली एक टाइम बता ना कैसा बोलेगा। राकेश तुम जानते हो कि मेरी दीदी तुमसे प्यार करती है, क्या मैं अपनी बहन को जाकर ये कह दूं कि राकेश तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है? ये बात सुनकर उसके दिल पर क्या गुजरेगी इसका कोई अंदाजा है तुम्हें राकेश? अरे उसे ये बात कहना तो दूर, मैं तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। दीदी बहुत जज्बाती लड़की है राकेश, अगर उसे इस बात का एहसास तक हो गया कि तुम उससे नहीं मुझसे प्यार करते हो तो वो खुदकुशी भी कर सकती है राकेश। ऐसा मत होने दो, वो तुम्हें बहुत चाहती है राकेश, मेरी दीदी को बचा लो, मेरी दीदी को बचा लो। टाइम क्या हो रहा है?
सब टाइम की हो रहा है? 5:30। एक बार बोला ना 5:30, क्या घड़ी घड़ी टाइम पूछता है? अब करता क्या है, टाइम पूछा है, घड़ियाल थोड़ी मांगा है। चल पेपर पढ़। मुन्ना! ए, 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 मुन्ना! ए, ए, मिली, ए, ए, मिली, संभाल, ए, क्या कर रही है? अरे क्या कर रही तू, क्या कर रही? मुन्ना! आंखें बंद कर। अरे क्या हुआ, क्या? पहले आंखें बंद कर। अरे क्या आंखें बंद कर, क्या बात करी? बोला ना आंखें बंद कर, आंखें बंद। अरे बुद्धा, ये चेक है, चेक। मैं हीरोइन बन गई, हीरोइन। अरे क्या बात कर रही तू, तेरे को पिक्चर मिल गई क्या? वो पिक्चर तेरे को मिल गई? यस। अरे देखा अपन, तेरे क्या बोलता था, मिली, अपना ट्रेनिंग काम में आएगा नहीं? चले रामजी भाई, फटाफट सीडाल, शर्ट पैंट रुमाल सब कुछ 4 घंटे में। 4 घंटे में? नहीं तो क्या, 8 घंटे में। इंदिरा, आज अपन अपना हीरोइन को पहली दफा पार्टी दे रहा है, एकदम हीरो माफी चमकड़ा अपन को क्या? लेकिन बाबा जा किधर रहे, बोल तो सही। 5-star होटल। क्या? आज अपन मिली को पहली दफा 5-star होटल ले जाएगा, फर्स्ट क्लास चाइनीज खाना खिलाएगा और सुमड़ी में अपना दिल के बात खोल डालेगा। आज तो आर्या पार। लेकिन 4 घंटे में कैसे तैयार हो गए ड्रेस? ये गंजी अटकाओगे झाड़ पे? अब अपन इसको संभालते, तू निकल, चल। ऑल द बेस्ट। चले भाई, चूत अच्छा मिले। अरे वो कपड़े बदल रही है। अरे आंटी, अब ये घर का कलर चकाचक कर डालो, तुम्हारा बेटी हीरोइन बन गया है। अरे मुन्ना, तू घर के रंग की बात कर रहा है? अरे अब तो नया बंगला ही लेंगे। ए मोतीलाल, वो कोने पे दुकान है ना रामजी भाई टेलर की, वहाँ पक्के बैठा है, उसको बोल कपड़ा लेके फटाफट आने। मुझे और कुछ काम नहीं है क्या? अबे साले, कुछ काम करते नहीं। मुन्ना, कुछ तो बोलो ना। एकदम झकास लग रही है रे। दीदी, गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई? क्या गाड़ी? अरे वो मिली को कमल जी की पार्टी में जाना है ना। कैसा पार्टी? उनकी वो फिल्म मिस्टर बॉन्ड वो हिट हुई है ना, उसकी पार्टी है, उन्होंने ही गाड़ी भेजी है। 1000 मारुति। मां मां मां, मैं ठीक लग रही हूँ ना? मेरे बाल ठीक है? अरे एकदम ओके, बाय। कमल जी को मेरा सलाम देना, बाद में मिलती हूँ। रख देना खोली में। अरे मुन्ना, हुआ क्या? तू ही तो बोला था मेरे को 4 घंटे में कपड़ा लेके। अरे तेरे को बोला रखने के लिए? अजीब खोपड़ी है। क्या बात है, इसे कहते हैं शोमैन। ये पार्टी है और ये पार्टी है, बकवास है। मैंने अपनी पिक्चर का मुहूर्त किया था अमेरिका में, वो बिल क्लिंटन है ना, बिल क्लिंटन मेरा खास दोस्त है। उसके घर के पीछे बहुत बड़ा सेट लगाया था, पहले मुहूर्त पे नारियल फोड़ा
और फिर सेट को बम से उड़ा दिया, एफल टावर तक गिर गया। एफल टावर तो पेरिस में है। तो यही तो कह रहा हूँ कि क्या इंपैक्ट था, एफल टावर तक गिर गया। लता मिली, नमस्ते कमल जी, वहां आइए। नमस्ते, कुछ पिएंगी? नहीं। कुछ तो नहीं, सच। हाय कमल जी। आई जस्ट कम, एक्सक्यूज मी। ओके। तो तुम हो मिली। क्या बात है, क्या बात है, मुझे पहचाना? मुझे नहीं पहचाना है? ये सारी इंडस्ट्री को मैंने बनाया। वो रेखा का नाम सुना है? रेखा, रेखा हाँ, फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस। रेखा, वो रेखा को रेखा नाम मैंने दिया। आई गिव इट पर्सनल हेयर टू हर एंड शी इज वेरी सक्सेसफुल। उसका नाम हो गया आज। किसको? रेखा को। क्या दिया? ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक मैंने दिया। श्रीदेवी, वो श्रीदेवी जब मद्रास से बॉम्बे आई ना, तो उसको हिंदी बोलना मैंने सिखाया। क्या सिखाया? हिंदी बोलने को। किसको? श्रीदेवी को। अरे श्रीदेवी को छोड़ो, अमिताभ बच्चन। वो अमिताभ को तो मैं बचपन से जानता हूँ। तुमको मालूम है वो जब फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के हैदराबाद जा रहा था ना, सॉरी अलाहाबाद, वो अलाहाबाद जा रहा था तो मैंने उसको स्टेशन पे रोका। अरे क्यों जा रहे हो भाई? तो बोलने लगा अपना जम नहीं ले रहे, अपन जा रहे हैं। मैंने बोला रोक। सीधा मैंने प्रकाश मेहरा को फोन लगाया और उसको जंजीर फिल्म दिलाई। कौन सी फिल्म दिलाई? जंजीर। तो अमिताभ बच्चन को कौन सी फिल्म दिलाई? जंजीर। जंजीर मैंने दिलाई, तुम्हारी भी लाइफ बना दूंगा, प्लीज रिपीट। अमिताभ को जंजीर आपने दिलवाई? ऑफ कोर्स, देखो इसको भी मालूम है। आजकल के वेटर्स भी कितने स्मार्ट हो गए। ए, तेरे को इधर किसने बुलाया? अरे मेरे को वो पीसी, प्रोड्यूसर पीसी ने बुलाया, वो मेरा बचपन का नौकर है। अच्छा? ए, हाथ नहीं लगाना। पीसी मेरा नाम है। तेरा नाम भी पीसी है? कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस के बच्चे चल से भाग गए। हाथ नहीं लगाना। दारू पी के आगे दामदी करता है। कपड़ा तो पार्टी में तेरे को बुलाया किसे? जाते जा मेरे पे। अरे छोड़ूंगा नहीं। जा जा मर के जा मेरे पे। चल निकल यहां से। तेरी हंसी की तलाश। ओह माय गॉड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। इस आदमी को मैं क्या बोलूं? ऐसे फिक्र था, ऐसे फिक्र था जैसे रेखा से लेके सबको बचपन से जानता हूं। और भी अजीब अजीब लोग मिलेंगे यहाँ। यहाँ पे सबकी अपनी अपनी कहानी है। लेकिन मैं यहाँ कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। आई जस्ट लव फिल्म्स। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारी रोज की जिंदगी से एक बहुत बड़ी दुनिया देखने को मिलती है। सब खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है यहाँ पे जितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, म्यूजिक है, डांस, कहानी, फोटोग्राफी, सारी चीजें एक साथ करके एक फिल्म बनती है। इसलिए आई जस्ट लव फिल्म्स। कौन कौन है तुम्हारे यहाँ? पापा है, माँ, और एक छोटा भाई भी है। लेकिन वो एक नंबर का कार्टून है। अच्छा। उसे फिल्मों में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन लेकिन किसी फिल्म का अगर गाना टीवी पे आ रहा होता है ना, तो सारे डांसरों के बीच में मुझे ढूंढता रहता है। ए मिली, देख देख तू उधर दिख रही है। ए मिली, देख देख तू उधर दिख रही है। ओह माय गॉड, ही लव्स मी सो मच। आपके घर में कौन कौन है? चलो देर हो रही, लेट्स गो।
इतनी जल्दी उठ गई? ओहो माँ, उठने के लिए मैं सोई कहाँ थी। रात भर बस पार्टी में क्या क्या हुआ सोचते हुए मुझे तो नींद ही नहीं आई। मुझे नींद ना आए, ओ मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा चाय लेके आए। हाँ हाँ। क्या ढूंढ रही पेपर में? ओ डैडी, मैं ढूंढ रही हूँ कि हमारे कल की पार्टी के बारे में भी कुछ छपा है कि नहीं। अरे अभी रात को तो पार्टी हुई, इतनी जल्दी थोड़ी छपेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ डैडी, लेकिन ये कोई मामूली पार्टी नहीं थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी। कितने बड़े बड़े लोग आए थे वहाँ मालूम है माँ? एकदम हंगामा हो गया था। आ रही हूँ बाबा। और मालूम है माँ, हर एक मिनट में एक एक फोटो लिया जाता था। वो फोटो के लिए हंसता चेहरा रखते रखते मैं तो थक गई। मिले? अरे क्या है बा... अरे हंसती क्या कोई? कमाल है, अपुन इतना चिकना बन गया तो पर मैं हंस ले लिया। अरे क्या हो गया तेरे को? अरे अरे तेरे को क्या हो गया मुन्ना? ये क्या होलिया बना रखा है? इसको होलिया बोलती तू? अरे स्टाइल है स्टाइल, लेट में लेट फैशन, तेरे पिक्चर का हीरो लुक से भी अच्छा क्या? अच्छा, लेकिन लेकिन आज ये इतना स्टाइल क्यों मार रहा है? अरे आज अपना हैप्पी बर्थडे रे। आज तेरा बर्थडे है? काय को अपना हैप्पी बर्थडे नहीं हो सकता क्या? अरे अपन सोचा आज तेरे को पार्टी देगा। पार्टी? पार्टी कहाँ? चल ले तू भी बोनी कर, 2 रुपए दिया उसको। मुन्ना लेकिन इतने बड़े होटल में लाने की क्या जरूरत? अरे आज अपन तेरे को दिखाता लाइफ क्या होता है। 24 घंटे खुला रहता है होटल। हाँ बहुत माल खर्चा किया। क्या खाने को कहाँ मिलेगा? हाँ चल। अरे यहाँ सब लोग अपन को जानता है। हाँ कहाँ बैठनी बोल? यहाँ बैठ। हाँ बैठना। क्या बोलता है? अरे ये तो पीछे जा रही है। मुन्ना। अरे को है क्या? ए तंबी इधर आ। सर। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? करेक्ट या। यस सर, वुड यू लाइक टू प्लेस एनी ऑर्डर सर? गुड गुड। अरे मुन्ना वो पूछ रहे हैं तुम क्या खाना खाओगे। अरे तो हिंदी में बोलना, क्या है खाने को? क्या है सर? वुड यू लाइक टू ट्राई अवर रशियन सलाद और फ्रेंच फ्राइज और समथिंग लाइक दैट? अरे वो अंग्रेजी आइटम नहीं चाहिए अपन को, ऐसा कुछ ला जो आंख पे लगे। एक काम कर, पहले तो एक प्लेट कांदा काट के ला, और भेजा फ्राई, उसल पाव, बैदा करी और एक जिंदा राइस शोरबा मार के। ए मुन्ना क्या बात कर रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलती। नहीं मिलती? नो सर। अरे क्या थकेला जगह ये, क्या खाली टेबल कुर्सी पे खर्चा किया, खाने पे नहीं? अच्छा एक काम कर, जो तेरे दिल को अच्छा लगे वो लेके आ, बिंदास 5-6 आइटम, बहुत माल है अपने पास, ऐसे हो जैसे कि तू खाने को आया। ओके। और सुन फैन ऑन चालू कर। सर? अरे फैन चालू करना। एसी इज ऑन सर, एयर कंडीशन चालू है। तो इधर घुमाना। अरे मिली वो चिकू बड़े का दीपक है ना? दीपक? अरे वही ना जो उस दिन मिल में मिला था अपन को। हाँ हाँ वो साइकिल वाला। हाँ वही। क्या हुआ उसको? अरे होने का क्या है, सेटल हो गया लाइफ में। सेटल हो गया? सेटल बोले तो शादी हो गया उसका। शादी हो गया उसका? हाँ। किससे? वही जो उसके वो मोहल्ले में लड़की थी ना, वो चमेली करके। हाँ। शादी कर डाला दोनों ने। हाँ। बहुत खुश है दोनों। अपन भी यही बोलता है, लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है। हाँ वो तो है। तू भी यही मानती है ना? अपन भी यही मानता है, लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है। क्या लाइफ में सेटल रहेगा ना तो जिंदगी सेटल हो जाएगी। मुन्ना ये क्या सेटल सेटल क्या लगा रखा है? अपन क्या बोलता है, अपन ये बोल रहा है कि तू भी यही मानती है ना कि लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है। अपन भी यही मानता है कि लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है। बोले तो अभी देख अपन तेरे को क्या बोलता है, अपन तेरे को इतना ही बोलता ना कि लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है। कमल जी, कमल जी। मिली बच्चों बाय। आप यहाँ कैसे? मैं मेरे एक दोस्त के साथ आई हूँ। मुन्ना मुन्ना
हाय। हेलो, जानता है फाइटिंग अच्छा करता है। थैंक्स। कमल जी, आप यहाँ कैसे? वो कमलाकर राव जी है, उन्हें मिले हैं। कमलाकर राव? डायरेक्टर कमलाकर राव? ओह, मिलना चाहती हो? हाँ, मैं मिलना चाहती हूँ। तो चलो अभी। व्हाई नॉट, ठीक है मुन्ना, मैं अभी आती हूँ। चलिए चलिए। बाय मुन्ना। Here is your food, sir. Thank you, sir. अरे भाई, और क्या बनाए? लाओ ना जल्दी। अरे ला रहे हो, दो मिनट रुको ना। ये लो। ये क्या माँ, गुलाब जामुन सफेद रंग में? ये गुलाब जामुन नहीं, रसगुल्ले हैं। लेकिन मैंने गुलाब जामुन मांगे ना। अरे लेकिन मिली को रसगुल्ले पसंद है, इसलिए रसगुल्ले बनाए। मिली मिली मिली, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ क्या? ए, फिल्मी डायलॉग मत मारा, कल तेरे लिए बनाऊंगी। नहीं, मुझको आज ही चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मोती बेटा, क्यों जिद कर रहे हो? ये भी बड़े टेस्टी होते हैं, जरा खा के तो देखो। ओए, रख दो। सिर्फ एक रख दो, डॉक्टर ने मना किया है, रख दो। ओहो, डॉक्टर खाने से रोकता है, तुम पीने से रोकती हो, लगता है सब मिलके मुझे जीने से रोकते हैं। मोती, क्या कर रहा है? बोला ना मैं कल तेरे लिए बनाऊंगी। एक तो मिली से पार्शियलिटी करती हो, ऊपर से मुझको डांटती हो। मुझको मालूम है मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। एक छापड़ लगाऊंगी, आप चुपचाप खा ले। मामा, मुझे मत देना। क्यों? मैं डाइटिंग कर रही हूँ। लो, एक मैं ही पागल हूँ, सुबह 6 बजे से उठकर तुम लोगों के लिए रसगुल्ले बनाए, तेरी डाइटिंग चल रही है, इनको डॉक्टर ने मना किया है और इसे पसंद नहीं है, और ऊपर से मुन्ना भी ना बोल रहा है। क्यों? मुन्ना क्यों ना बोल रहा? पता उसे नहीं। तो रसगुल्ले बहुत पसंद है। इसको भेजा था बुलाने के लिए, बोलता है भूख नहीं। ए मुन्ना, खाने पे क्यों नहीं आया? अब उनको भूख नहीं लगी है। भूख नहीं लगी है? क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फर्स्ट क्लास। तो फिर भूख क्यों नहीं लगी है? ऐसे ही। ठीक है, तो फिर मुझे भी नहीं खाना। तेरे को क्या, नहीं खाने का? ऐसे ही, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तेरे को भूख लगी तो खाना। नहीं। काय को? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बैठ के खाना है। चल मुन्ना, तू भी ना, तेरे मूड कभी कभी मेरे भी समझ में नहीं आते। मिली, तेरा ये फिल्म लाइन है ना, ये सही नहीं है। क्या? कल पक्या क्या क्या बोला था मालूम है तेरे को? पक्या? ये पक्या कौन होता है फिल्म लाइन के बारे में बोलने वाला? तू और वो क्या बड़े एक्सपर्ट है इस बारे में? चले, अपन को मत सिखा, तेरे से ज्यादा दुनिया देखा है अपन। बात करती है, तेरे फिल्म का चमक दमक है ना, सब अंदर से खोखला है। और क्या, मैं कुछ नहीं जानती? अरे कुछ लोग बुरे होने से क्या सारे की सारी फिल्म लाइन बुरी हो जाती है? अगर वो लोग ऐसे वैसे होते तो क्या मैं उनके साथ काम करती? या फिर तुझको मुझ पर ही भरोसा नहीं है? ऐसा बोलो क्या अपन? तेरा मतलब तो वही था ना। अरे आपने सीधा बात का तो उल्टा मतलब निकाल दिया। उल्टा तू समझता है। अरे अपन को तेरा फिकर है, इसलिए अपन तेरे को बोलता है। चल छोड़ो, अभी खाना खाते हैं। चल। मुझे भूख नहीं है। अरे चल ना। मुझे नहीं खाना है। तो ठीक है, अपन को नहीं खाने का है। और सुबह से अपने पेट में चूहा लोग कबड्डी खेल रहा है, प्लेग वाला चूहा। चल अभी। वाओ, यहाँ से समुंदर कितना अच्छा लगता है। कमल जी, ये सारी जगह आपकी है? नहीं, कुछ गवर्नमेंट की भी है। क्या? मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ घर बनाना चाहता हूँ। घर? आप यहाँ पर? हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं रहता, इसीलिए तो। कमल जी, आप भी, लोग आपके पीछे भागते हैं और आप लोगों से दूर। लेकिन कमल जी, आपको कैसा लगता है जब लोग इतनी भीड़ में इकट्ठा होते हैं आपसे हाथ मिलाने के लिए, आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए, या कभी सिर्फ आपको देखने के लिए? कैसा लगता है आपको? कैसा लगना चाहिए? जब मुझे मालूम है कि वो लोग उस कमल को पसंद करते हैं जो पर्दे पे 20 लोगों को डुशुम डुशुम करता है, जो झाड़ के आसपास गाना गाते हुए चक्कर मारता है, लेकिन उस कमल को कोई नहीं जानता जो इस कमल से लेके उस कमल तक पहुंचने के लिए कितने चक्कर काटे होंगे, कितने चक्कर काटे होंगे। कमल जी, मुझे बताइए ना, आपको आपका फर्स्ट वेक कैसे मिला? अरे बहुत लंबी कहानी है। नहीं, मुझे सुनना है, अभी अभी सुनाइए प्लीज।
बोर हो जाओगी। नहीं, मुझे वाकई सुनना है, प्लीज। तो सुनो। और फिर कमल कमल जी बन गए, स्टार कमल। सुचित्रा भी मुझे अजीब अजीब नाम से बुलाती थी। जब मैं ब्लू कपड़ा पहनता था तो मुझे नीलकमल कहती थी। नीलकमल? जब मैं पानी में कोई शॉट देता था तो मुझे जलकमल बोलती थी। जलकमल? कहती थी कि अगर मैंने हॉलीवुड की पिक्चर साइन कर लिया तो वो लोग मुझे लोटस कुमार कहेंगे। लोटस कुमार? कौन कौन है सुचित्रा? अरे अगर तुम उससे मिलती तो हंस के पागल हो जाती। यू नो, जब मैं बड़ा स्टार बन गया बहुत पैसे आ गए मेरे पास, मैंने गाड़ी ली। गाड़ी में सुचित्रा को लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। खंडा वो जोक मारती रही, मैं हंसता रहा। वो जोक मारती रही, मैं हंसता रहा। वो जोक मारती रही, मैं हंसता रहा। स्पीड एक सेकंड में सब खत्म। शादी का सपना, घर का प्लान, सब कुछ। I'm sorry, मैं ये बोलता नहीं हूं किसी को, ये कभी कभी आ जाता बाहर, पता नहीं कैसे बोल दिया। Let's go anyway, I'm sorry, I'm really sorry. कल मिलते शूटिंग पे, okay? Sorry. ये बात मिली को बोलने का। तू बोलेगा, तू क्या बोलेगा मिली को? अपना दिल का बात बोलने का तो डेरिंग नहीं है। अरे साला फिर वही टॉपिक यार। अरे तू अब उनकी जगह पे होता ना, तेरे को पता लगता था। अरे बाबा मालूम है, बोलना तेरे में डेरिंग नहीं है। अरे जैसे तेरे में बहुत डेरिंग है। मालूम है परसों क्या हुआ? क्या? ओ चिकुवाड़ी की मीना है ना? क्या वही डेक्कन क्वीन? हाँ यार वही। परसों शाम को गौटन गली से जा रही थी, अपन ने उसको उधर ही पकड़ लिया और सीधा खोपचे में ले जाके बोल डाला, अपन को तेरे साथ शादी बनाने का है, अपन तेरे वास्ते खोली लेगा, अपना बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। बोल करती क्या शादी? फटाफट बोल डाला। अरे बोल डाला। फिर क्या हुआ? फिर गया उठा के चप्पल मारा। क्या चप्पल? देख अब भी मेरा अकेला है। साला तेरे को चप्पल पड़ा और तू अपन को चढ़ रहा है, बोल तो डेरिंग कर। लेकिन वो डेरिंग तो किया ना अपन ने, तेरे साथ थोड़ी है फटोस। ये ऐसे तू डेरिंग करते गया ना तो बहुत जल्दी तेरे को लेडीज चप्पल का दुकान खोलना पड़ेगा। पीटर आजकल तो बहुत मौज मस्ती कर रहा है, तेरा हाथ पैर तोड़ के तेरे को समझाना मांगता है, समझा? अरे जाने देना बाबा। अरे बाबा यहाँ तो शूटिंग चल रहा है। अरे हाँ यार इधर तो फिल्म का शूटिंग चल रहा है। ए, चल नीचे चल। हाँ चलना, हीरोइन को देखते हैं क्या? चल आजा। अच्छा, चलना, चलेंगे ना, देखेंगे ना, बड़ा मस्ती करेंगे। ओह गुड मॉर्निंग सर। चार बाल इधर सामने चाहिए, सिर्फ चार बाल। मुझे एकदम नेचुरल लुक चाहिए, मेडअप नहीं, ओके? सिर्फ चार बाल सामने। सर वो कल की शूटिंग में बस की रिक्वायरमेंट थी ना सर, वो मिल नहीं रही है सर। पीसी साहब कह रहे थे ऑटो से काम चल जाएगा क्या? ऑटो क्या, साइकिल से भी काम चल जाएगा। ओके सर। ए सर क्या? ओके सर वो ऑटो बस नहीं मिलेगा ना, पूरा शूटिंग पैकअप कर दूंगा। तुम्हारा वो पीसी है ना चवन्नी में पिक्चर कंप्लीट करना चाहता है, मैं कोई टीवी सीरियल नहीं बना रहा हूँ, 70 mm फिल्म बना रहा हूँ। बस नहीं मिलेगा, पूरा शूटिंग बंद कर दूंगा, समझा? आई वांट द बस, डोंट मेक कॉम्प्रोमाइज। कैसे आदमी फिल्म बनाएगा इस कंट्री में, कैसे फिल्म बनाएगा अच्छी?
ये पैसे वाला लोग सिर्फ पैसा बचाने को देखता है। अरे तो आर्ट का क्या होगा? कैसे एक एक चीज जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, जो हम पैदा करना चाहते हैं, उसका क्या होगा? अरे मेरा कंपटीशन इधर के डायरेक्टर से नहीं है, माय कंपटीशन इज विद कपोला, स्पीलबर्ग। दीस पीपल डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं आप बोलो, कैसे आदमी एक अच्छी आर्टिस्टिक गुड फिल्म बनाएगा? आपका प्रॉब्लम मैं समझता हूँ। आप कौन है? ऐसे शूटिंग देखने आया था। शूटिंग देखने आया? अरे चलो इधर से, चलो शूटिंग देखने आ। मिली जी, शॉट रेडी मिली जी। अरे हीरोइन रेडी है? यहाँ हीरो रेडी है, मेरे साथ काम करोगी? इतने बदतमीज लोग हैं बाबा ये, न जाने कहाँ से चले आते हैं। बड़ा हीरो बनता है, अब हीरो है तो मुझसे लड़ के देखना, फिर मैं तो बड़ा डिशम डिशम करता है। आप उनका भी बॉडी है, मेकअप आउट, दादा आउट, रीडिंग ओके, यस सर, ओके राज, रोल साउंड, साउंड रोलिंग, कैमरा एक्शन। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राकेश। मैं भी तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। मिली, लोगों की बातें बुरा मत मानना, अपने डांस पे ध्यान दे। गाना गा ले, जाओगे जानमन कमल जी, कमल जी, या नट जी, 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 जस कमल, जस क्या? कमल यार, कमल, कमल बुलाओ। कमल जी, आप ही कमाल करते हैं। ऐसे कैसे मैं आपको? क्यों? क्या प्रॉब्लम है उसमें? एक साल काम करने का है, उठने का, बैठने का है, काम एक्टिंग करने का है। कमल जी, will be too formal यार, जस कमल, समझा ना? कौन है कमल यार? फिर भी क्या रे, बहुत शाना समझते हैं अपने आप को? गली में बहुत बड़ा दादा बनता है, पुलिस के सामने ये लंबी जबान, लेकिन एक लड़की के सामने एक बात बोलने को तेरा फ्यूज उड़ जाता है। हवा टाइट, डूब मर साले, डूब मर। आठ क्या लगता है, आप उनको कुछ करना पड़ेगा? अब भी अगर वो इधर होती ना, मां कसम शाला अपन बोल डालता। क्या बोलता? अरे अपन मुन्ना अपन... क्या बोलता? अपन क्या बोलेगा? अपन क्या बोलेगा? धात तेरे की। अरे कोई है क्या? अरे ओ सोनू, आई तू जो बैग होता है क्या? जागो, धात। अरे भाई क्यों शोर मचा रहा है? कौन है रे तू? सुना जी, देखो तो। अरे कौन है भाई, काहे को चिल्ला रहा है? अरे कौन है रे साला, मेरा कान तोड़ डाला। अरे साला इधर अपना लाखों का दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया, और तू अपने 12.5 रुपए के कांच पे रोता है? नीचो आ, आज अपन तेरे को अपना लव स्टोरी सुनाता है। नीचो आ।
ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। एक तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे हम। क्या करे क्या न करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। एक तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे हम। उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे हम। क्या करें क्या ना करें कि कैसी मुश्किल आए, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। We'll be right back.
मिली मिली वो तो सो गई। सो गई? हाँ। इतना जल्दी? अरे थक गई होगी शूटिंग में। ए बन्ना, हाँ लगा थोड़ा सा। पता नहीं क्या मिल जाता है तुम लोगों को पीने में। अरे भाई कुछ लोग पुरानी बातें भुलाने के लिए पीते हैं, तो कुछ लोग पुरानी यादें ताजा करने के लिए। भाई मुन्ना, कुछ हम जैसे लोग भी होते हैं जो बिना वजह पीते हैं। अंकल एक बात पूछने का, बुरा तो नहीं लगेगा? अरे क्या बात कहते हैं रे। आपने कभी किसी से प्यार किया? प्यार? क्या टॉपिक निकला है मुन्ना? इसके लिए एक और, ठीक है? हाँ मुन्ना, तब ना मैं फर्स्ट ईयर में था और वो भी फर्स्ट ईयर में थी। अच्छा? 4 साल तक मुन्ना, 4 साल तक हम एक ही बस में आते रहे जाते रहे, आते थे जाते थे, वही टाइम बस का वही रूट। क्या बात? हाँ, उधर बस चलती रही, इधर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर क्या होना था, एक दिन उसकी किसी गाड़ी वाले से शादी हो गई और मैं बस में ही रह गया। काहे को? मुन्ना वो क्या करती, कहूं ना कहूं इस चक्कर में सारा टाइम निकल गया। मैं तो दिल की बात मुन्ना उसे कह ही नहीं पाया। क्या बात करता है यार। लेकिन मुन्ना एक सबक मैंने सीख लिया, दिल की बात कहने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। सही है बाप, देर नहीं करने का। देर नहीं करने का। देर नहीं करने का। अपन चलते हैं। दादा, बोलो क्या हुआ? आपने कभी किसी से प्यार किया है? क्या? किया कि नहीं दादा? बताता हूँ। अपनी तैयारी तो मजनू जैसी थी, तो पर लैला ही नहीं मिली। अरे अपन को मिली 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 अरे मिली मिली हेलो क्या मिली मिली? अरे वो मिली नहीं, मिली आउटडोर की परमिशन मिली। लव इन गोवा। क्या गोवा? चिल्लाता क्यों? गोवा कैसे चलेगी? गाड़ी में। अरे वो तो अपन को भी मालूम है, लेकिन काय को? मेरी शादी के लिए गई, शूटिंग के लिए गई यार, और किस लिए जाती? ऐसे कैसे चली गई, अपन को बोला तक नहीं। अरे मुन्ना वो प्रोड्यूसर का प्रोग्राम अचानक बन गया, इसीलिए सुबह जल्दी चली गई।
बंस आप फंटास्टिक। अगर ये गाना चिपक गया ना तो अपनी फिल्म भी चिपक जाएगी। अब मेरे को कोई चिंता नहीं। गाना हिट हो जाने से फिल्म हिट हो जाती क्या? और नहीं तो क्या, किसी भी पिछली फिल्म का रिकॉर्ड उठा के देख लो। अब तेजाब को ही ले लो, 1 2 3 4 5 6 खलनायक को ले लो, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे हिट हुई थी ना। आपकी पिछली फिल्म के 4 गाने हिट थे, पिक्चर हिट क्यों नहीं हुई? पिक्चर हिट कराना किसके हाथ में है? डायरेक्टर के हाथ में। किसके हाथ में? डायरेक्टर के नहीं, किसके हाथ में है बोलो ना। डायरेक्टर के। पिक्चर हिट कराना किसके हाथ में है? ओ सर जी, आपके हाथ में है जी। दैट्स राइट। हां जी, यस कमल जी। बात करता है राव साहब, आपको मालूम है मेरी पिछली पिक्चर क्यों फ्लॉप हुई थी? अरे यार, वो पिक्चर का कैमरामैन मैं नहीं था। ओहो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है, मैं अपनी पिछली पिक्चर का प्रिंट तिरुपति ले जाना भूल गया था। ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे चले, पीछे चल। ए हाथ मत लगा, बोला ना मिली का दोस्त। सब लोग ऐसा बोलते हैं, चला हट पीछे। ए खजूर, दू क्या खर्चा पानी, और देखा रोब दिखाता है क्या? हाँ देखा, बन गया ना पोपट। अरे आदमी देख के बात करने का। ए तुम यहाँ कैसे आ गए? हाँ बुनाया डायरेक्ट बस स्टॉप से डायरेक्ट इधर आया। कमल जी आप इसको जानते हैं ना, याद है उस दिन रेस्टोरेंट में मिले थे? हाँ हाय राजू। मुन्ना, अब उनका नाम मुन्ना है। सॉरी मुन्ना। मुझे ये बताओ तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? क्या बस क्या, आज अपन नहीं आएगा क्या? क्यों, आज तेरा हैप्पी बर्थडे ना। इश, आज तुम्हारा बर्थडे, तुमने बताया नहीं। ओहो कमल जी, इसमें बताने की क्या बात है? कमाल है। अरे सुनो, आज मिली जी का बर्थडे, विश योर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैं अबे क्या सोच रहा है ये मुन्ना, सोच मत वरना गाड़ी निकल जाएगी। अरे परसों अपन ने फिल्म देखी थी ना, उसमें कैसा हीरो हीरोइन को अंगूठी देता है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, बस वैसा ही। बन जा हीरो और हीरोइन को अंगूठी दे दे। अबे सोच मत, निकल। मिली मुन्ना, देखो तो कमल जी ने क्या दिया है, कितना सुंदर है ना। अरे मैं तो लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने इतनी जिद की कि मैं कुछ नहीं कह सकी। लेकिन कितना खूबसूरत है ना। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। हाय हाय मुन्ना। अच्छा तो तब लगेगा जब तुम इसे पहनोगी। मैं अभी पहन के आती हूँ। क्या काम करते हो? ब्लैक करता है अपन। क्या थिएटर के बाहर अपन टिकट ब्लैक में बेचता है। अभी अच्छा लग रहा है, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। चलिए लेट्स गो। ये मुन्ना, चलो ना। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday dear Mili Raza. Happy birthday. ये मुन्ना कौन है? ए मुन्ना, ए मुन्ना, 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 कब आया तू गोवा से? कल रात को. कल रात को? और अपन को मिला भी नहीं. क्या करूं मिलके तेरे को? अरे यार, अपन तेरे इंतजार में बैठे ला ये जानने के वास्ते क्या हुआ? क्या 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 हुआ? कुछ बात हुई कि नहीं? किससे? अरे मेरे बाप मिली से और किससे? नहीं कुछ बात नहीं हुआ. कुछ भी बात नहीं हुई? अरे बोला ना कुछ बात नहीं हुआ. अरे मगर कैको नहीं हुआ. अरे कैको कैको क्या करता? नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ. अरे तू इधर से गोवा बात करके ले गया था ना? हाँ गया लेकिन मौका नहीं मिला. अब क्या करूं मैं? अब पूछ पूछ करना दिमाग मत पका. चल तड़क यहां से. प्यारे ये जाने कैसा है, क्या कहे ये कुछ ऐसा है. कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है. प्यारे जाने कैसा है, क्या कहे ये कुछ ऐसा है. कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है. रातें गुजरती है उसके ही यादों में. वक्त मिलन का आए तो बागों में झूमी बहारी फूलों की गलियों में. भंवरों की टोली आए गलियों में वो मंडलाए. डर ये खिजा कभी दिल से मिटाए. कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है,
खुशी देता है। प्यार ये जाने कैसा है, क्या कहे ये कुछ ऐसा है, कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है। किसी का प्यार ले ले, किसी को प्यार दे दे, इस सारे जमाने में यही प्यारी बात है। हर तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना, ये भी कोई बात है। क्या बात है भाई। ओ जी अपनी फर्स्ट कॉपी आ गई, फर्स्ट कॉपी। मुबारक मुबारक हो भाई। कब आई जी? अभी अभी गर्मा गर्म लैब में देख के आ रहा हूँ। कमल जी क्या पिक्चर बनी है, क्या पिक्चर बनी है। मैं तो कहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर दो दो साल के लिए थिएटर बुक कर लेंगे, अगर ये पिक्चर हिट ना हुई ना तो सब कुछ बेच के वापस लुधियाने चले जाऊंगा, खेती बाड़ी करे। कमल जी मेरी बात सुनिए, नीली जी ने जो काम किया, ओए होए होए क्या काम किया इस लड़की ने, हंगामा कर देगी इंडस्ट्री में। टच वुड कब देख सकते हैं? टच वुड जब मर्जी। मुंह मीठा कराओ, मुंह मीठा कराओ। तना तना यहाँ पे जीना। मुन्ना मुन्ना, अरे तू यहाँ पे बैठे, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। अच्छा सुन, पिक्चर की फर्स्ट कॉपी आई है, अभी ट्रायल शो है 8 बजे नटराज स्टूडियो में। तुम आना, मैं वेट करती हूँ, लेट मत करना, और पक्या को भी लेके आना। चलो चलो। तना तना, क्या ठुमका मार के डांस किया है पीसी साहब, भूला नहीं अभी तक? हाँ हाँ भाई, याद दिलवा दूंगा। बाबा आज शाम को पीसी साहब की फिल्म का ट्रायल है। दादा ये मैं मिली को देना चाहता हूं। लेकिन पता नहीं, एक अजीब सी घबराहट लगी रहती है। घबराहट? घबराहट कैसी? सुचित्रा के जाने के बाद मुझे हर खुशी से तरसा लगता है, कहीं वो खुशी छीन ना जाए। आप भी खामखा ना जाने क्या सोचते रहते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, घबराहट कैसी? और तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत प्यारी लगेगी, अब इन बूढ़ी आंखों में हर वक्त एक ही सपना रहता है, तुम्हारी शादी का। Oh,
से तुम्हें ऐसी जिद करने लगे, जो ने तुमने क्या क्या सोचा आगे आगे, हम तो अब डरने लगे। अरे सोचा है ये कि रात और दिन तुझे प्यार करेंगे हम, डरते हो क्यों हो जाने मन मेरे प्यार से। इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे, तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है। गोरी गोरी बाहें मुझको तड़पाने लगी, होठ भीगे भीगे नशीली ये आंखें प्यास को जगाने लगी। ऐसी बात कमल, क्या हुआ आपको? मैं आपको कितनी देर से पुकार रही हूँ और आप है के? कुछ नहीं। क्या हुआ? और आते आते मैं सोच रही थी कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई। चले। अरे मिली? क्या? मैं कुछ वो क्या बात है? फिल्म में कोई प्रॉब्लम? गॉड, फिल्म के सवाल कोई बात ही नहीं हो सकती क्या? मेरे लिए तो नहीं हो सकता कमल, आपकी इतनी फिल्में आ चुकी है शायद आपको आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मेरे लिए अपने आप को पहली बार स्क्रीन पर देखना मालूम है कितनी घबराहट हो रही है। आपको हुई है कभी ऐसी घबराहट? इससे पहले तो नहीं। मतलब कुछ नहीं, चले। चलिए। आइए थडानी साहब, आइए आइए आइए, ये देख लीजिए, रिलीज के पहले ये रिस्पॉन्स है तो रिलीज के बाद तो मिलिट्री बुलानी पड़ेगी भीड़ हटाने को। आप लोग बैठिए, तुम लोग उठो भाई। वो कौन हो तुम? अपन लोग मिली का दोस्त है, वो हीरोइन है ना। वाह कमाल है, कोई हीरोइन का दोस्त है कोई हीरो का, और प्रोड्यूसर के सारे दुश्मन है। मेरी बरात में आए हो? कोई बात नहीं पीसी साहब, फिर कभी हम देख लेंगे। अरे नहीं थडानी साहब, आप लोग आज ही देखिए, ऐसी क्या बात है। उठो भाई। ओए उठते हो या वाचमैन को बुलाऊं? चले आते हैं फ्री में पिक्चर देखने। चल बकिया। वो चलो देखता क्या है, चल पर। आइए थडानी साहब इधर आइए, साहब आप भी आइए, आइए इधर बैठिए, आइए बैठिए। बस मैं अभी दो मिनट में थैंक यू शुरू करवा के आता हूँ। तुम दोनों अभी तक यही खड़े हो, तुमको कहाँ ना जाओ। एक खजुए हाथ में लगा नहीं तो फोड़ डालूंगा। हाँ जाओ फोड़ने वाले, चल तू भी चल, चल जा। ए हाथ कैसे लगाता है? हाँ हाथ कैसे लगाता है? अबे साले तुझे देखा था अभी मैं तेरे को, छोड़ तेरा मुंह तोड़ के आग में। मुन्ना अरे क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं, बस मैंने इसको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर आए, इसने गाली देना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। इतने कहा था ना मैंने, क्या कर रहा है? अरे अपनी फिल्म है अपनी, और तुम होके मेहमानों के साथ इस तरह बर्ताव किए। अरे मिली अपना बात तो सुन, मिली जी कोई बात नहीं, आइए कमल जी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए प्लीज। मुन्ना ये मेरी क्या गोपन के ऊपर भड़क रहे लिए? एक मिनट वेट वन सेक। ऑलराइट, आइए मिली जी, आइए आइए। वाओ कमल, ये सब क्या कर रहे हैं आप? अब तो तुम बहुत बड़ी स्टार हो गई हो, ये तो होने वाला है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्टाइल। वो सब छोड़ दीजिए, आपने ये तो बताया नहीं कि आपको मेरा काम कैसा लगा। मुझे कैसा लगा? अरे दुनिया तालियां मार रही थी, दे वाज सो एक्साइटेड अबाउट मी। नहीं 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 नहीं, दुनिया की बात नहीं, आपको कैसा लगा? सच बताओ, वो बीच वाला शॉट जब तुम मुझे देख रही थी, I just loved it. तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। कमल। सच? अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कसम से। Okay, okay. I'm sorry. मगर तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। You were gorgeous, and I loved it. Really? All the best. Thank you. Bye. Bye. थिएटर में मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल दिया, लेकिन उस वक्त मैं फिल्म देखने के लिए इतनी पागल हो रही थी कि उसमें जो मेरे मुंह में है मैंने तुम्हें कुछ भी बोल दिया, उससे गलती हो गई। इसमें तेरा क्या गलती है? वहां इतना बड़ा बड़े लोग आया था, उनके बीच में अपुन जैसे आदमी बैठेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तूने सही किया, अपुन को ये समझना चाहिए था। ए मुन्ना, तो अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुन्ना? अरे मैंने कहा ना मेरी गलती हो गई बाबा, I'm sorry. Sorry, 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 sorry. चल छोड़ना, बोल फिल्म कैसा था? फिल्म? मुन्ना मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मुन्ना, लोगों को फिल्म इतनी पसंद आई, अरे हर सीन पे तालिया, हर सीन पे, और मुझे मुझे लोगों ने इतना पसंद किया मुन्ना, और ये सब हो रहा था ना तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। किस तरह मैं 2400 घंटे अपनी फिल्म की बातों से तुम्हें बोर किया करती थी। और एक दिन याद है मुन्ना, मैं रात को तुम्हारे घर पर आई और मैंने बड़ा तमाशा कर दिया, मैंने कहा था मेरे साथ रिहर्सल करो। आज उसी सीन पर जब लोग तालियां बजा रहे थे ना, तुम वहां होने चाहिए थे मुन्ना। खैर परसों फिल्म का प्रीमियर है और मैं चाहती हूं हम दोनों साथ बैठ के फिल्म देखें। मुन्ना मैंने आज तक किसी चीज का इतना इंतजार नहीं किया जितना कि इस दिन का। वो एक सपना जो मैंने बचपन में देखा था वो अब पूरा होगा, और ये सब कमल जी की वजह से हुआ। कमल जी नहीं होते तो मैं ये कुछ नहीं कर पाती, पता नहीं क्या करती, लेकिन ये नहीं कर पाती।
यहाँ बैठ। दीदी इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने, समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सी साड़ी पहनूं। तेरी माँ तैयार होने में इतनी देर लगाती कि हम तो सिल्वर जुबली तक नहीं पहुँच पाते। अच्छा अच्छा मुन्ना कहाँ है? मोती मुन्ना कहाँ? हाँ वो नहीं आया है, उसने चिट्ठी भेजा है। चिट्ठी? क्या चिट्ठी? मुझे क्या मालूम, खुद ही पढ़ लो। ओहो लेकिन ये आदमी है कहाँ? पता नहीं कुछ अजीब ढंग से पेश आ रहा था। क्यों लकड़ी भटक रहा होगा? चलो चलो बैठा। कमाल करता है ये आदमी, ये क्या नया नाटक है? क्या वो कुछ नहीं। फंक्शन पूरा होने के बाद मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। Really? Yep. क्या? पूरा होने के बाद? अब बताइए ना कमल, प्लीज। पूरा होने के बाद, ओके? ओके। ओके। मिलिए अपन जा रहे हैं। मिलिए अपन को हमेशा तेरे को एक बात बोलने का था। अपन तेरे को बहुत प्यार करता है मिली, लेकिन आज अपन को एक बात समझ में आ गया मिली, तू अपने लिए नहीं बने ला है। अपन बहुत छोटा आदमी है और तू बड़ी दुनिया के लिए बने ली है। तेरे को कमल जी जैसे आदमी के साथ ही शादी बनाना चाहिए। जो कमल जी तेरे को दे सकता है अपन कभी तेरे को दे नहीं पाएगा, लेकिन अपन तेरे को किसी और के साथ नहीं दे सकता है मिली। इतना बड़ा दिल नहीं अपना, इसलिए अपन ये शहर छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। तू भी सोचती है कि ऐसे टाइम पे अपन क्या फालतू बात कर रहे हैं, लेकिन मिली एक टाइम अपन सिर्फ एक टाइम अपने दिल का बात तेरे को बोलना चाहता था। आपने से कोई गलती होगा तो अपन को माफ कर देना मिली। अपन जाता है मुन्ना। कमल जी प्लीज गाड़ी निकालिए, मुझे यहाँ से जाना है। हाँ लेकिन कमल जी मुझे जाना है यहाँ से अभी, प्लीज गाड़ी निकालिए। मिली हुआ क्या है बताओ, मिली हुआ क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कमल जी वो मुन्ना चला गया। क्या मुन्ना? मुन्ना कमल जी
अब जानते हैं ना उसे, ऐसे ही चला गया बस। इतनी सी बात के लिए वहां से निकले? कमल, कमल आप समझ नहीं रहे हैं। जानते हो, जानते हो वो लड़का क्या सोचता है, कितना पागल है। पता नहीं उसके कहां से दिमाग में बैठ गया है कि मैं और आप, कि हम दोनों में प्यार हो गया है और हम लोग शादी करने वाले हैं। कितना बेवकूफ है, इसलिए शहर छोड़ के चला जा रहा है। खत में लिखा है कि मुझसे प्यार करता है, जैसे जैसे मुझे कोई फिक्र ही नहीं है उसकी। मैं भी प्यार करती हूँ उससे, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जिसे प्यार करते उसे दूर ही चले जाए। बस खत लिख के कहाँ ढूंढूं मैं उसे, कहाँ ढूंढने जाऊँ उसे। बकिया, बकिया के पास चलिए प्लीज। मुन्ना कहाँ है? चला गया। चला गया? अरे कहाँ चला गया पकिया? छोड़ ना, तेरे को क्या करना है? ए पकिया देख, तू मुझसे ऐसी बात मत कर। ये तेरा फिल्मी डायलॉग बाजी बंद कर, समझी ना? हाँ, मालूम है तेरे को तेरे वास्ते उसने क्या क्या किया? अरे एक एक रुपया जमा करके तोहफा खरीद के तेरे को गोवा तक मिलने को आया, लेकिन तेरे को तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस दिन तेरा पिक्चर देखने को आया, मेरे को बोला चल पकिया आज मिली का पिक्चर देखते हैं, उल्टा सबके सामने तूने उसका कचरा कर दिया। काय को, हाँ काय को, तेरे को तो टॉप का हीरोइन बनने का था ना। इधर इधर ये फुटपाथ पे रात रात तेरे बारे में सोचता था, रात को दो दो तीन तीन बजे तक अपन से बात करता था। किसके लिए? तेरे बारे में बात करता था अपन से। जो पैसा उसने खुद की शादी के लिए जमा किया था ना, वो पैसा अपन को देके चला गया हो। मेरे को बोला पक्या तू इस पैसे से शादी बनाना। अरे दास साला, तुम लोग का तो स्टोरी सुन के अपन का तो शादी और प्यार से नफरत ही हो गया है। जा मिली जा। पक्या, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, पहले ही पता मुन्ना कहाँ है। मुन्ना, मुन्ना मिली तू? ये कहाँ जा रहा है तू? ये सब क्या लगा रहा? अरे मिली तू इधर। मिली अपन लिख दिया ना, अपन तेरे को जो कुछ भी बोलने का था अपन लिख दिया ना तेरे को। क्या लिख दिया था? अपन समझता है मिली, अपन सब समझता है। अपन को बीच में नहीं आने का है, लफड़ा नहीं करने का अपन को। तुम दोनों खुश रहो, अपन बस तेरे को खुश देखना चाहते हैं मिली, मां कसम। अरे मुन्ना क्या गलत है मिली मुन्ना, किसने कहा मैं इसे चाहता हूँ, इसे प्यार करता हूँ, इसे शादी करने वाला हूँ, खुद ही सोच लिया। अरे हम एक्टर हैं यार, चंद घंटे साथ में गुजार लिया इसका मतलब ये कि जिंदगी भर गुजारी हम साथ में। पहली पिक्चर का प्रीमियर छोड़कर रात भर ढूंढने में निकाली है तुझे। हाँ मुन्ना, मिली बहुत प्यार करती है तुझसे, सच कसम से। इसी ने कहा मुझसे जान नाराज हो गई है, संभाल ले बिड़ू। गुड लक। अरे मिली, लेकिन आप उनको कैसे मालूम के तू भी अपन को? तू चुप बैठ अभी, एक लफ्ज से बोला तो बहुत मारूंगी। जब बोलना था तो बोला नहीं, अब बोल रहा है तू। लेकिन तू भी तो बोल सकती थी ना। हाँ बोल सकती थी, तो कैसे दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता कि तुझसे प्यार। अरे लेकिन अभी क्या चिल्ला रही तू? तू चुप बैठ अभी मुन्ना, तो बहुत मारूंगी तुझे। ये देख अपन को हाथ मत लगा, बोलता है। और तू भी हाथ मत लगा, और बॉस भी मत मेरे, चला ये क्या कर लेगा तू? मार मत, क्या कर लेगा साला, इसीलिए चमत्कार नहीं बोलता। तो मत बोल और बात भी मत करो,
भाग जाएगा तू मुझसे दूर? क्या मिले? क्या समझता क्या अपने आप को तू? अरे मिली तो चिल्ला दी का कोई? कहाँ चला जाएगा मुझसे दूर? अरे अपन तेरे को सॉरी बोला ना? मार दी क्या कोई? बहुत बुरा तुम। मार दी क्या कोई तू? बहुत बुरे हो। सॉरी बोला ना अपन तेरे को? बहुत बुरे हो। मिली अपना बात तो सुन। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे?